इसके अंदर बेसिकली पीएलसी लगी हुई है, ड्राइव लगी हुई है, दो ड्राइव है, एक ड्राइव डीसी मोटर के लिए है, दूसरी जो ड्राइव है वो इस मोटर के लिए है, थ्री फेज मोटर के लिए, और कंप्रेसर है, जो वायर है जो कि आपका पेंट रहेगा, और आपको जो सिलेंडर है डबल एक्टिंग या पिकिंग के लिए उसके लिए ये डीसी विथ लगी हुई है, ठीक है। और ये आपके सेंसर लगे हुए हैं इसकी होम पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए, और सिलेंडर की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास रीड सेंसर लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जैसे हम किसी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए वो पहले आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो मिनट पहले से ही ऑपरेटेड रहेगा, जैसे वहां से ऑपरेट होता है ये ऑपरेट हो गया ये ऑपरेट। अगर फॉर एग्जाम्पल कि हमें सिलेंडर को किसी भी मूवमेंट कराना है, लेट्स सपोज कि अभी जो सिलेंडर है हमारा इनसाइड है, अगर इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करना है, एक्सटर्नली ऑपरेट करना है, ये बाय डिफॉल्ट हमारी पोजीशन है, और इसको अगर हमें मूवमेंट कराना है फर्स्ट इनिशियली में आउटसाइड, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होगी, वैसे तो इस सोलेनोइड को ऑपरेट करते हैं लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट ये है, जैसे ही हम इसको मूवमेंट करेंगे तो ये बाहर आ रहा है, अब ये इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन पर। तो आपको एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर, आपको किस पोजीशन पे इस्तेमाल करना है, तो समय इस साइड वाले डीसी भी एक्टिव नहीं है। अगर आपको रिटेक्टेड पोजीशन पे रखना है तो उसके अपोजिट साइड वाली पोजीशन यूज करनी है। ये है आपका डायरेक्शन कंट्रोल वेल, इसका डायरेक्शन कैसे कंट्रोल होगा, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये टू साइड आपका सोलेनोइड ऑपरेटेड वेल, ठीक है, डायरेक्शन कंट्रोल वेल। और इसको अगर मैनुअली चलाना है तो हम इसको रिमूव करके इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअल ऑपरेशन, ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन, दोनों ही सोलेनोइड है आपके, जैसे रिले काम करती है वैसे ये भी काम करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इसका जो प्लंजर है वो मूवमेंट करेगा और उसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो इनटेक चेंज हो जाएगा, पुल लगा होगा इसके अंदर वो मूव करेगा। अब बाय डिफॉल्ट पोजीशन आपको यहाँ पे मूव रखना है एक्सटेंडेड पोजीशन पे या इनसाइड पोजीशन, ठीक है। उसके बाद इसकी होम पोजीशन आती है, सोलेनोइड बेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी होम पोजीशन है, बाय डिफॉल्ट होम पोजीशन अगर सब कुछ सही रहा, क्या अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इस पोजीशन पे आगे ये रुकना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेंटर पोजीशन, इसकी ये होम पोजीशन है, जब तक ये इस पोजीशन पे नहीं रहेगा तब तक कोई भी फंक्शन हमारा ऑपरेट नहीं हो सकता। लेट्स सपोज ये इस पोजीशन पे कोई भी सेंसर हमारा ऑपरेट नहीं हो रहा, यहाँ से हम कन्वेयर को स्टार्ट करेंगे, कन्वेयर तो रुक गया लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए इसका होम पोजीशन होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे ये होम पोजीशन पे होगा तभी ये प्रोसेस आगे कर सकता है। अब उसकी ट्रैकिंग के लिए ये आपके रीड स्विच लगाए गए हैं, जब जब रीड स्विच ऑपरेट होगा तभी वो सिलेंडर ऑपरेट होगा। अगर इसके अंदर से कोई भी रीड स्विच, लेट सपोज ये काम नहीं कर रहा, पोजीशन आप कर रहे हो, एक्सटेंशन नहीं होगा, नॉर्मल प्रोसेस चलेगा इसके अंदर जब तक ये अपने होम पोजीशन पर ही है। ये सेंसर है न्यूमेटिक सेंसर, आपका पीएमपी और एनपीएम टाइप सेंसर। अब देखो अगर ये नहीं चला
अब जब ये यहाँ पे आएगा अपडेट होगा तो ही ये प्रोसेस नीचे होना चाहिए। अगर ये इसके अंदर लेट्स सपोज कि बाय डिफॉल्ट ये ऊपर आ गया, ये ऑपरेट नहीं हुआ, ये ऑपरेट नहीं हुआ तो ये रिट्रैक्ट नहीं होगा, माइनस पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो इसकी ट्रैकिंग के लिए हमने यहाँ पे डिप स्विचेस का इस्तेमाल किया है। जब जब वो पोजिशन होगी तो ही वो प्रोसेस काम करेगा, ठीक है। अगर लेट सपोज ये है हमारे पास है लिमिट स्विच, जब लिमिट क्रॉस होगी तो एक साइड होगा, जब लिमिट क्रॉस नहीं हो रही तो दूसरी साइड जाएगा। जैसे जब ये क्रॉस नहीं हुई है तो वो उस साइड जाएगा, वेट के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट सपोज कि अभी अगर हम वेट के अकॉर्डिंग करते हैं जिसने वेट पिक किया और पिक करने के बाद ये वापस आया और जैसे इस लिमिट स्विच पे उसने रुका तो क्रॉस हुआ लिमिट, लिमिट क्रॉस होने के बाद अगेन पिकअप करेगा, चेकिंग वेरिफिकेशन करेगा, जैसे पिक किया वो उस साइड में जाके इस साइड आया। जब जब लिमिट क्रॉस होगा तब एक साइड मूवमेंट होगा और जब लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा था दूसरी साइड मूवमेंट। अगर अभी हम इसका प्रैक्टिकली चेक करते हैं, लेट सपोज ये बॉक्स अभी हमारे जैसे सेंसर ने सेंस किया यहाँ पे कन्वेयर पे कन्वेयर बेल्ट है, ये मूव होगी, जैसी ये मूव होगी स्टॉप पोजिशन पे आएगा और पिक करेगा, यहाँ पे मूव करेगा इसे, ये हिट पोजीशन पे चला जाए, लेकिन क्रॉस नहीं हुआ, लिमिट क्रॉस।